स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। आईपीएल 2021 का चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीम का ये पहला मैच है, ऐसे में दोनों ही टीम जीत के साथ अपने अभ्यास का आगाज करना चाहेंगी। तो वही पंजाब और राजस्थान दोनों ही टीम की ताकत उनके बल्लेबाजी है, ऐसे में इस मैच को रोमांच होने के पूरे आसार हैं। जी हाँ, किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल के लिए प्लेइंग इलेवन का चयन करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। उनकी सबसे बड़ी चिंता 4 विदेशी खिलाड़ियों का चयन करना होगा। तो वही देखने वाली बात ये होगी कि T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज डेविड मलान को मौका मिलता है या नहीं। अगर मलान को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है तो वही क्रिस गेल को वहाँ बैठना पड़ेगा। जी हाँ, बात करते हैं भाई राजस्थान की, तो जोस बटलर, बेन स्टोन, क्रिस मॉरिस और मुजफ्फर रहमान उनके 4 सीरीज खिलाड़ी हैं हो सकते हैं। हालांकि ओपनिंग स्टॉल का सिलेक्शन कप्तान संजू सैमसन के लिए चिंता का विषय होगा। वही पिछले साल सुरेश स्मिथ ने जो बटलर के साथ वेन स्टोन को ओपनिंग स्टॉल की जगह दी थी, वही अब देखने वाली बात ये होगी कि सैमसन क्या करते हैं। जी हाँ, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद मानी जाती है। हालांकि शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजी को मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे ही गेंद पुराना होगा वही बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। प्रभाव को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाज का फैसला कर सकती है। बात कर लेते हैं राजस्थान के संबोधित प्लेइंग इलेवन, तो वेन स्टोन, जोस बटलर, संजू सैमसन, कप्तान लियाम विलिंगस्टोन, व्यान परागवा, शिवम डुबे, क्रिस मॉरिस, राहुल त्रिपट्टी, शेयर गोपाल, कार्तिक त्यागी और जयदेव उनाकट जैसे शानदार खिलाड़ी होंगे। जी हां, बात कर लेते हैं पंजाब के संबोधित प्लेइंग इलेवन, केएल राहुल कप्तान, विकेट कीपर माइक अग्रवाल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, मोइक, सरफराज खान, शाहरुख खान, मोहम्मद शमी, रवि वाजपेयी, अक्षरदीप सिंह जैसे शानदार खिलाड़ी होंगे। जी टीम जीतेगी, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।